हेलो गाइस, सो ई तो खास रात के समय छे। दुबई के टूर के बाद हम जैसे आ गए छी रोमानिया में, बहुत रात छे, रोमानिया छे, होटल बुकिंग भेल छे। सो ये होटल में जा रहल छी और साथी संगे ये रहब अभी, और तो के बाद जैसे रोमानिया के टूर ये सुत के उठला के बाद एक बेर हेतै, और वही के बाद जैसे फिर दोसर ठाम के यात्रा हेतै। सो अभी आराम करैत और हमारे यात्रा जो है से शुरू होत आज दिन से। सो आई आराम करब और दिन आफ्टर जो है से यात्रा शुरू करब दिन में। सो आई आराम करे के लिए रुके छी। सो होटल एयरपोर्ट के बहुत नजीके छे, अहाँ के लगभग 5 किलोमीटर जते, चार पाँच किलोमीटर जते दूर मात्र छे। सो ये बढ़िया बात कथी रही भने पछि जे यूके में जे बोल्ट चले छे से बोल्ट सेहो ये चले छे। सो बोल्ट बुक करे में इजी भेलै और बुक कऽ कऽ हम जे से ठेके ये पहुँचलिए, और अखन ये रुकल छी, साथी आबि रहल छै, ताहिके बाद जे से भीतरी जा कऽ आराम करब। सो राति में भी सुतै छी, ताहिके बाद काल्हि कुमा की होइ छै अपने सबके कहब। हमरा दूरसँ से बुझाइ छलै अहाँ जेना चाय ताय पी रहल छी तेना। हँ, वेलकम रोमानिया, हमारे सुनील सरकार ये रेडी है पूरा की चले। सो अहिया के बसाई छे आई, अहिया के बसाई के बाद एक दिन सुत के उठला के बाद रोमानिया के की माहौल से दिन में देखल जते। बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रोमानिया। आगे सुदीप सर के साथ में गुड मॉर्निंग भर रहा है इसका, और हम अखन छी रोमानिया के राजधानी बुकारेस्ट शहर राजधानी में छी। हालांकि ओना तो राजधानी में छी, लेकिन ई पछाड़ी के छह सौ के माहौल देखबे तो आगे जनकपुर के कोनो अथी मेन गली रोड के सेहो बुझा सकैए, या काठमांडू के भी कोनो रोड सब बुझा सकैए, जेकि हमसब इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 4 किलोमीटर भर सके, हाँ 4 किलोमीटर पर मात्र छी ओर पर। ओहिके बादो जे है से एक अवस्था एहन छै, यानी कि जस्टे अही साल जे है से शेंजेन में ई सब एंट्री भेलै है, बुल्गेरिया रोमानिया, तो ई रोमानिया सेहो एंट्री भेल छलै है। तो ई ओहि लेवल के यूरोप तो नहीं छै जे अहाँ फ्रांस देख रहल छियै, जर्मनी या नॉर्वे या डेनमार्क, ओहि लेवल के शेंजेन तो नहीं छै, मतलब एंट्री गेट ऑफ द यूरोप मानू है के, हाँ स्टार्टर फेज के लागि, हाँ अखन स्टार्टर शेंजेन भेलै खास में, ताहि के लगभग अपन डेवलपमेंट नहि भेल छै, लेकिन अखन ग्रोथ कंडीशन में छै। सो आई के गुड मॉर्निंग एकदम निमन भेल छै, और हम सब कुछ ठाव सब रोमानिया के घूमे के प्रयास करब। अइ स्पेशल अइ के बुचास्टर कहै छै नि सर, हाँ ई राजधानी के भीतर में जे जगह सब भ सकैए। कृष्णा सर के अखन हम लऽ जा रहल छी पार्लियामेंट रोमानिया के, एकटा हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ द यूरोप है, अच्छा वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस सेहो है रोमानिया के, अच्छा ये काफी यूरोप के टूरिस्ट सब सेहो अबैत रहै है पार्लियामेंट ऑफिस देखे के लागि, बिल्डिंग देखे के लागि। ओके, तो हम सब पास होते टाइम नै है, स्पेशल ठाउ देखे दी, हां जते जै हिसाब से हमरा पास में टाइम है वही हिसाब से हम सब अइया के ठाउ विजिट करब जा रहल छी। एगो भगल पार्लियामेंट ऑफिस आ दोसर भगल उनरी पार्क, जे कथी कहे बेरोजगारी पार्क के यो, हाँ एशियन पार्क के यो, हाँ सब चीज, अच्छा अच्छा अच्छा। सो हम सब ई सब छोट छोट ठाउ सब जते हमरा दिन में जते खान टाइम छै ओते खान में विजिट कऽ कऽ निकलब, तो बनल रहै छी ठाउ के हल्का हल्का अपडेट दैत अगाड़ी बढ़ब। बाय गाइस, अखन के लेल कहलकै हमसब अखन जे ठाड़ छी अहाँके ई पछाड़ी जे ठाड़ छै बस स्टैंड छै, और इहो पछाड़ियो जे छै ठाड़ आदमी सब से अहाँके बस स्टैंड छै, खास अइके रोमानियाके बस स्टैंड भेल, स्पेशल यूरोप के जे कंट्री सब कहबै ओहिमे बस स्टैंड एहि प्रकारके नहि, सबसे लो क्वालिटी के बस स्टैंड भऽ गेल खासमे, किया तऽ बेसिकली जेना होइए बस के टाइमिंग के सीट सब, ताहिके बाद डिस्प्ले सब, ताहिके बाद बैठैके जे स्पेशल सुविधा सब कहबै से नीक छै, हाई लेवल के छै, जे ओ नीक यूरोपियन कंट्री के स्पेशल इंजन के छै,
ई रोमानिया हमर तो अब जितने तक सेंजन घूम लिय के अखन तक लिए सबसे मतलब जो के स्तर के कहो आ व्यवस्था कहो कैला तो भरकर भरकर सेंजन में सेहो गया तहू के लग भ सकें सो अखन ये बुझू न ग्रोथिंग स्टार्टिंग है सो अखन के लिए इस सेंजन में एकदम धीरे धीरे व्यवस्था भ रहा है सो बस स्टैंड जस्ट जना अपना सब ढलके बरहड़िये में रुकल रहे छे तेहने जस्ट रुके वाला छे और बस होते तो अपने जैसे गूगल में देख कर चढ़ पड़त ये स्पेशल ओकर टाइम शीट सब चाहे ओकर डिस्प्ले में टाइमिंग सब ओहन नहीं आबि रहल छे सो सामान्य तरीका के बस स्टैंड से ही जस्ट ओपे आई जस्ट नजीक के बिल्डिंग छे हम सब एगो बस के वेटिंग में छी गूगल में चेक के लिए तो सही नंबर के बस के वेटिंग में छी सो सही नंबर के बस के एते हम सब ऐसे निकल बस हम सब रोमानिया के राजधानी के बुचारेस्ट के राजधानी है रोमानिया के बुचारेस्ट ओकर जे से मेरी पार्क कहल सर उन्री पार्क उन्री पार्क सो हम सब उन्री पार्क में आयल छी एकर जे वाटर के पंपिंग वाला सिस्टम जे है हालांकि तो लगभग हम जर्मनियों में गेल छलियै देखने छलियै अही किस्म के रहलै लेकिन ई कुछ फरक किस्म के छै ई मतलब एते दूर में लेटेस्ट है अच्छा अच्छा शायद अखन की देख रहा दिन में ओत खूबसूरत ब्यूटीफुल तो नहीं नजर आवे लेकिन रात में करके हरेक वाटरफॉल में हरेक रंग के कलर मिक्स रहे मतलब कलर लाइटिंग रहे विथ म्यूजिक रहे मतलब एक वीकेंड में संडे कोनो शायद एक एंटरटेनमेंट कल के होजे हो ऑलमोस्ट हरेक वीक में सिस्टम मतलब प्रोग्राम जगह लगे लेकिन पूरा एरिया पूरा फुल रहे आदमी अच्छा म्यूजिक बाजल और म्यूजिक पर वाटर डांस करते रहें विथ द कलर ओके 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 जेना वाटर डांस अहाँ जर्मनी में से हम सब गया देखन रहिए ओहो है तक बाद अहाँ के दुबई में से अहाँ के भेट सकैया लेकिन अयो बहुत लम्बा दूरी में थी अहाँ के ये से शायद जते जते दूर तक देख रहा पछाड़ी तक ली पूरा बड़का फील्डे के बुझियो ना फुल फील्डे के वाटर डांस लाइटिंग सिस्टम बना कंट्री लगभग यूरोप में हमू घूम चुकल छी एहन वाटर पार्क हमरा कतौ नहि अथी मतलब नजर आयल वाटर पार्क हमरा बहुते ठामन रहे लेकिन अइ ढंग से अतेक एरिया कैप्चर करके अतेक एडवांस जका कोनो कंट्री नहि हाँ नहीं अखन तरीके हमरो विजिट में शायद ई वाटर डांस कलर वाला जे व्यवस्था छै कि एते बड़का नहीं देख लिया सो ई बहुत बड़का छै और हम चार गोटा राउंड लै छी सेहो हम अहाँ सबके वीडियो कुछ ने कुछ देखायब आज यहाँ के साइकिलिंग मैराथन के प्रतियोगिता छे अखन अहाँ के अगाड़ी जस्ट निकल ले या टूर और रोमानिया से आई के डे एगो बड़का साइकिलिंग प्रतियोगिता भैया एकरा मैराथन टाइप के कह सकै छियै और साइकिलिंग के लागी बहुत बड़का टीम से निकल ले या और ई टीम अभी तक निकल दे एकरा तो शुरू में जे छोड़ लगे छे एकदम फास्ट में निकल ले और ई सब गजब तरीका से जा रहल छे बहुत ही गजब साइकिल के अहाँ के स्पेशल मैराथन और ई पछुलका जे हमर भाग देख रहल छी से एक पार्लियामेंट छै बिल्डिंग छै और पार्लियामेंट के अगाड़ी से ई सब आइ प्रोग्राम रखने छै हम अगाड़ी तरी पूरा पूरी फूल जे छै पुलिस के सिक्योरिटी मेंटेन कयल गेल छै और ई सब जे छै पूरा रोड के थ्रू रन कऽ रहल छै हम देखै छियै अगाड़ी से देखलियै लगभग 3-4 मिनट सँ ई लाइन रेगुलर जा रहल छै और ई लम्बा समय चलते तऽ सो एगो देखे के मौका मिलल ई शायद छुट्टी के टाइमिंग कहते हैं जिस अभी वो
प्रतियोगिता रखने साइकिलिंग के सब बहुत दामी बहुत निम्न सर। ई भगेल बाप के बरियाती में टोल पीछे वाला सर आज हम सब अखन रोमानिया के पार्लियामेंट के अगारी में छी और अहाँ के स्पेस देखा हमारा पछाड़ी जो बिल्डिंग देख रहा है से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और ई फिर जो पछाड़ी देख रहा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेम छे और एक जस्ट जे अगारी के जो कंस्ट्रक्शन देख रहा है ई रोड के बीचों बीच जे पानी के जे पंपिंग सिस्टम जे लगाओल गेल छे वो अहाँ के लम्बा दूरी तक ली सेम छे और एक जस्ट अगर पछाड़ी देख रहा है तो अय के बीच में ठैके केंद्रित कर पार्लियामेंट बनाओल गया है। यूरोप के एगो हैवीएस्ट बिल्डिंग है बहुत हैवी बिल्डिंग है पार्लियामेंट के तुलना में जना फ्रांस जर्मनी और अगर नॉर्वे अगर आसपास के जत भी शेंजेन कंट्री के पार्लियामेंट है वही अंतर्गत के सबसे हैवीएस्ट पार्लियामेंट है और एक सबसे बड़का बात कथी है जो फ्रंट हम अगाड़ी से कह रही फ्रंट से अ पार्लियामेंट बिल्डिंग के अगर सेम वही कता अगर जा रहा है सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन है। सो अय के दुनू कता जे से अगाड़ी या पछाड़ी दुनू कता सेम होने गरी कंस्ट्रक्शन बनाओल गया है एकदम लम्बा दूरी में शायद अहाँ वीडियो में देखते हे जब अगाड़ी से देखला के बाद पता चल रहा है अगाड़ी से देखते हे जर कंस्ट्रक्शन कते हैवीएस्ट है और अय के पछाड़ियों गला के बाद सेम टू सेम है और एक सबसे बड़का बात है अगाड़ी ओके सो अ साइड जे देख रहा है पार्लियामेंट के तुलना में वर्ल्ड के ई थर्ड हैवीएस्ट बिल्डिंग पड़ जाए एज अ पार्लियामेंट वर्ल्ड के थर्ड हैवीएस्ट बिल्डिंग में पड़ जाए मतलब हैवी मतलब भारी कहियो फैलल कहियो या क्षेत्रफल के हिसाब में कहियो या एक अमे पॉपुलेशन हटे के हिसाब से कहियो हर एक हिसाब से पार्लियामेंट के तुलना में थर्ड हैवीएस्ट पार्लियामेंट बिल्डिंग यहाँ के वर्ल्ड के पड़ रहा है। सो ये रोमानिया के राजधानी बुचेस्टर कह सकते हालांकि अब उच्चारण कनी कनी फरक भ सके लेकिन ऊँचे सो अ के अखारी हम छी और बहुत निक लागि रहल है। हेलो गाइस पछाड़का भाग जे देख रहल छी ट्राम के शायद सेम ओने यूके जे यूरोप के जे फॉर्मेट छै ट्राम के से आज हालांकि ट्राम त कनी एकदम पूरा पूरी 1890 सो के बुझा रहल है लेकिन जैसे ट्राम ट्रामे है गेटो जैसे केवारी जगह ठक्के गाड़ी में यहाँ खोल दे गाड़ी में ठारो तो मुंह फूट सके तो हिसाब से व्यवस्था है पूरा जैसे बघारा में गिर जा लगा लगा चल गया नया ट्राम सब नहीं लेकिन उतने पुरान ट्राम अभी तो हम जते देश में ट्रैवल के लिए इतने पुरान ट्राम देख नहीं सकली जाले जाले मतलब रिकॉर्ड के लिए अभी तक ये मतलब पुरानको चीज सबके प्रिजर्व करके रखे संपत्ति है ना वो नहीं ये बात से मान लीजिए कि मतलब इतने पुरान ट्राम के चला कर रखने है जे कि अहाँ के शायद वो बहुत 1900 दिशन के ट्राम एकदम बस टाइप के ट्राम वो एकदम पातर ट्राम एकदम पुरान मतलब हर एक चीज पुरान चले तर वन ट्राम के क्या देखलिए चला कर रखे सो रोमानिया पुरनका सामान सब एकदम जे है प्रिजर्व करके कहियो या रखने से सो बहुत निक लागल देखे में ट्राम पुराना मॉडल के ट्राम के लिए तो नया मॉडल में तो सब चीज नया मॉडल वाला सकते देखने छे लेकिन पुरान मॉडल देखल जे है मौका भेटल अहाँ ट्राम के दू तीन दिन देखलिए तखन तो वीडियो रिकॉर्ड करके बिछर गए लेकिन अखन रिकॉर्ड के लिए हम सब जा रहा है बिजी रोड है लेकिन आई साइकिलिंग के जेना मैराथन जगह होइ छै तेना भेल छलै तो सो ई आब कनी खाल में मैराथन सटला के बाद शायद ओपन करते बाकी सबसे बिजी रोड छै तो पार्लियामेंट के अगाड़ी के मेन राजधानी के बीच के छै तै के लक सो हेलो गाइस हमर रोमानिया एकदम छोट टूर में
रोमानिया में बहुत ठीक सब बहुत चीज सब निको लागल जना कि बहुत कंट्री में हमरा जैसे एयरपोर्ट से लोकेशन जाए में या मेन बीच सिटी में जाए में बहुत प्रॉब्लम सब फील भेल छल जना फ्रांसे बेर में हमरा फील भेल रहे जे एयरपोर्ट पर हम उतरल है वैसे एकदम ट्रैवल के भयंकर समस्या मेन सिटी के लागि जना दुबई से सेहो निकले के लागि टैक्सी बाहे दोसर चीज कनी एक रती ट्रैवले जगह से लोकेशन तक प्रॉपर नहीं जा रहा है ट्रांसपोर्ट में लेकिन रोमानिया में कम से कम कुछ न कुछ है ट्रेन चल रहा है ट्रेन नहीं है तो अहाँ के ट्रामे भ सक या नहीं तो बस भैर चले सो निक और पॉजिटिव बात रोमानिया अखन जस्टे कुछ दिन अगड़ी सेंजन में गल लेकिन एक बहुत पहले से भी एयरपोर्ट के थ्रू मेन सिटी तर के जे ट्रांसपोर्टेशन के जे सुविधा देख ली बहुत निक लागल। दोसर बात है कि सिटी के बनावट अब पछाड़ी देखते हैं भाई राजधानी में छी सिटी के बनावट एकदम हरियरमय है कतौ कतौ कोनो कोनो पार्क आ तो मौसम चेंज भेला से भी और अलग तरह से भी भ सके लेकिन अय जेना यूरोप के तरह ही एकदम हरियर मौसम गुलाब के फूल या के पार्क में हरियरी तक बाद पाँच पार्क में गाछ वृक्ष सो एक सबके ग्रीन सिटी तरफ के भी फोकस बढ़िया देखल तक बाद पार्क सब में भी ग्रीन पार्क के फोकस बहुत बढ़िया है तक बाद ये कि जनरल जे आदमी के लागि जनरल वॉकिंग के एरिया तक बाद जनरल साइकिलिंग के एरिया तक बाद जैसे रोड के जे कहबे से एक तरफी दू तरफी आ सेंटर में रोड के सेंटर में ट्राम के सुविधा सो ट्रांसपोर्टेशन में हमरा निक लागल ये कंट्री। दोसर बात है जे मौसम के हिसाब से भी कहबे तो प्रॉपर एकदम ठंडा तो बीच यूरोप जगह नहीं लेकिन जैसे चीसोमय वातावरण है अखन आखिर में ये मौसम अखन जा रहा है गर्मी मौसम यूरोप के लागि जाए जाए के समय में से वही टाइम में भी एत नरम वातावरण होना एत चीसो होना एगो बहुत निक और पॉजिटिव जैसे एक्सपेक्टेशन है और पछाड़ी में देख रहा है रोड वो अहाँ के साइकिल के चिन्ह देखते रहें वो रोड पर साइकिलिंग के लागि छुटे पार्ट है और एक बाद जैसे जनरल पब्लिक के लागि छुटे पार्ट है सो पब्लिक केंद्रित रोड पब्लिक केंद्रित जैसे अहाँ के पार्क तक बाद पब्लिक केंद्रित जैसे ट्रांसपोर्टेशन सब चीज बहुत निक है सो ओवरऑल में देखल जाए तो सब चीज व्यवस्थित है लेकिन गवर्नमेंट और अखन के कंडीशन है कुछ अब शायद अब चांसो और देते किया तो सेंजन में आयल गवर्नमेंट कनी अगर और चांसो दल जाए तो ओवरऑल बाकी सेंजन के तुलना में भी एक जैसे ग्रोथ निक भ सकैया और रूल्स रेगुलेशन कहीं फोकस कल जाए तो बढ़िया भ सकें कहीं रूल्स रेगुलेशन हल्का कहीं अब ढिला कहियो या जनता में चेतना के कहीं एक रती कमी कहियो या गवर्नमेंट के तरफ से रूल्स रेगुलेशन में जे कहियो कहीं एक रती फीका फीका से अगर वही चीज पर कहीं फोकस कल जाए तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज एकदम बेस्ट है सो ओवरऑल देखल जाए तो रोमानिया के कंडीशन एज अ सेंजन निक लागल हमरा बढ़िया सा सब रोमानिया के छोटका ट्रिप से ठाकर प्लेन में बैठ जा रहा है बोरिंग पास लगा सो एक छोटका ट्रिप से ठाकर अब ग्रीस के यात्रा कर रहा है एक लगभग एकदम छोट एकदम बेस्ट ट्रिप रहल के रोमानिया के और आप निकले वाला छी और सब चीज हमरा हाथ में भ गया छी। गाइस हम अखन अहाँ के ग्रीस में खास में तरह ग्रीस के राजधानी एथेंस में छी हम रोमानिया से एथेंस से लिए और एथेंस से आप करफू जा रहा छी जे स्पेशल ग्रीस के जे एगो टापू कह सकै छी अहाँ आयरलैंड जना कहै छी वही टाइप के जगह छै हालांकि शहरे जगह छै छोट लेकिन आयरलैंड छै तो वही ग्रीस के आयरलैंड में हम करफू में जा रहा छी एथेंस से अपने रोमानिया से अयला के बाद सो काल के यात्रा अपने सबके ग्रीस के करफू गेम देखाय की केना छै अवस्था की केना छै सिचुएशन।